ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जिनको जानना है वर्चुअल डेबिट कार्ड क्या होते हैं, क्या हम वर्चुअल डेबिट कार्ड से फ्री ट्रायल अकाउंट बना सकते हैं लाइक AWS एंड वल्टर, साथ में हमें अगर अनलिमिटेड वर्चुअल कार्ड की रिक्वायरमेंट है तो हम किस तरीके से अनलिमिटेड वर्चुअल डेबिट कार्ड बनाएंगे, वो भी जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन ये पेड ट्रिक होने वाला है। और जिन लोगों को सिर्फ 5 ही वर्चुअल डेबिट कार्ड की रिक्वायरमेंट है तो आप किस तरीके से 5 वर्चुअल डेबिट कार्ड बना सकते हो, वो भी जानेंगे इस वीडियो में, जो आपका वल्टर क्लाउड एंड AWS में एक्सेप्ट होंगे। ये टेस्टेड हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म में ये एक्सेप्ट हो सकते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी तक इन दोनों प्लेटफॉर्म में ही अपने कार्ड्स को टेस्ट किए हैं। इसी वजह से हम आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ों का फ्री ट्रायल लेंगे इन सभी कार्ड्स की मदद से। तो चलिए जानते हैं वर्चुअल कार्ड क्या होते हैं। वर्चुअल कार्ड एक्चुअली आपको डिजिटल फॉर्म में आपको मिलता है, जो आपको मिलेंगे बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन में या फिर नेट बैंकिंग में, जो कि आपको मिलेगा सिर्फ डिजिटल फॉर्म में, आपको फिजिकली कार्ड नहीं मिलेंगे। यानी कि आपके पास जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड फिजिकली है वो हुआ फिजिकल कार्ड। इससे आप ATM से पैसा निकाल सकते हैं, साथ में आप ऑनलाइन जितने भी ट्रांजेक्शन हैं सभी काम कर सकते हैं। लेकिन वर्चुअल कार्ड में क्या है कि आपको फिजिकल कार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन आप ऑनलाइन हर तरीके का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जो एक फिजिकल कार्ड से कर पा रहे हैं, लेकिन आप ATM से पैसे नहीं निकाल सकते हैं वर्चुअल कार्ड से, क्योंकि ATM से पैसा निकालने के लिए आपके पास फिजिकल फॉर्म में कार्ड होना चाहिए। बस इतना ही डिफरेंस है वर्चुअल कार्ड एंड फिजिकल कार्ड में। अब बात करते हैं, अगर आपको 5 वर्चुअल कार्ड की रिक्वायरमेंट है तो आप किस तरीके से 5 वर्चुअल कार्ड बना सकते हो। वहीं अगर आपको अनलिमिटेड कार्ड की रिक्वायरमेंट है तो आप किस तरीके से अनलिमिटेड वर्चुअल डेबिट कार्ड बनाओगे, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जो कि पेड ट्रिक होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं 5 वर्चुअल कार्ड की, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप किस तरीके से 5 वर्चुअल डेबिट कार्ड बना सकते हो। 5 वर्चुअल डेबिट कार्ड बनाने के लिए आपके पास SBI का अकाउंट होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ SBI की वेबसाइट में, तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से SBI का वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है आप इन तीनों कार्ड को बना सकते हो, मास्टर कार्ड, रुपए कार्ड और वीज़ा कार्ड, जो कि होगा वर्चुअल कार्ड, जिसके लिए आपको कोई भी रुपए पे करने की ज़रूरत नहीं है बनाने के लिए, और ना ही कोई आपका एनुअल फी लगेगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप SBI की मदद से वर्चुअल डेबिट कार्ड बना सकते हो। फिर आप इन कार्ड को किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हो या फिर इंटरनेशनली भी यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं आप कितना कार्ड बना सकते हो। SBI की तरफ से यहाँ पर लिमिट है, आप सिर्फ एक साल में 5 ही वर्चुअल डेबिट कार्ड बना सकते हो। यानी कि अगर आप कार्ड को इस्तेमाल कर लिए हो फ्री ट्रायल अकाउंट बनाने के लिए और फिर से आप चाहते हैं दोबारा फ्री ट्रायल अकाउंट बनाने के लिए, तो आप क्या करोगे, कार्ड को ब्लॉक करोगे और दोबारा अप्लाई करोगे न्यू कार्ड के लिए, तो आपको मिल जाएगा फिर से न्यू वर्चुअल कार्ड। लेकिन आप सिर्फ यह प्रोसेस 5 बार ही कर सकते हैं, उसके बाद आपका कार्ड नहीं बनेंगे। साथ में आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है, ये कार्ड सिर्फ 48 आवर के लिए वैलिड है, क्योंकि यह एक डिस्पोजेबल कार्ड है। 48 आवर के बाद अगर आप इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपका कार्ड ऑटोमेटिक डिस्पोज हो जाएगा। इस तरीके से आपका एक लाइफलाइन चला गया। आपको कितना टाइम मिलेंगे लाइफलाइन? 5 टाइम। आप 5 टाइम में अलग अलग वर्चुअल कार्ड बना सकते हैं। अगर आपको स्पेशली वल्टर क्लाउड एंड AWS के लिए कार्ड चाहिए तो आप यहाँ पर वीज़ा कार्ड बनाएंगे, क्योंकि मैंने टेस्ट किया है वीज़ा कार्ड से आपका वल्टर एंड AWS बन जाएगा। अब बात करते हैं आप कार्ड किस तरीके से बनाओगे। इसके ऊपर आपको YouTube में ढेरों वीडियो मिल जाएंगे। आप YouTube में जाकर सर्च करोगे हाउ टू जनरेट SBI वर्चुअल डेबिट कार्ड, तो कुछ इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर ढेरों वीडियो मिल जाएंगे। आप इनमें से किसी एक वीडियो को देखकर सीख सकते हैं आपको किस तरीके से अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड बनाना है SBI की मदद से, जो कि सिर्फ आप 5 ही वर्चुअल कार्ड बना सकते हैं। वहीं अगर आपको अनलिमिटेड वर्चुअल कार्ड चाहिए तो आप यहाँ पर अगर सर्च करोगे मेरे चैनल का नेम कुछ इस तरीके से, तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे नीचे मेरा चैनल एंड ऊपर आएगा मेरा वेबसाइट। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे। देन आप यहाँ पर क्लिक करोगे आवर मेथड्स, फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएंगे मेथड्स। अगर आपको बाई करना है वर्चुअल कार्ड वाला मेथड तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे। आप इस मेथड की मदद से नो लिमिट आप दिन में कितना भी कार्ड बनाओ अनलिमिटेड वर्चुअल डेबिट कार्ड बना सकते हो, जो कि होगा वीज़ा कार्ड। और ये कार्ड वल्टर क्लाउड एंड AWS में एक्सेप्ट होते हैं। इस मेथड में हमने A to Z एक्सप्लेन किया है आप किस तरीके से
अनलिमिटेड वर्चुअल कार्ड बनाओगे, और वो वीडियो सिर्फ 9 मिनट 45 सेकंड का है। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। एक्चुअली क्या है कि आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करना होगा, जिस तरीके से SBI आप 5 वर्चुअल कार्ड बना सकते हो, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर जो बैंक बताया है, आप उस बैंक की मदद से अनलिमिटेड जितना चाहो उतना वीज़ा वर्चुअल डेबिट कार्ड बना सकते हो, जो कि होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, देन आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, तब जाके आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा। इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही अकाउंट ओपन करोगे वीडियो KYC के साथ, जिसमें आपको एक भी रुपये इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेथड बाय करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, देन आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह आ जाएगा इंटरफेस। आप यहाँ पर अपना नेम फिल करोगे, अपना ईमेल ID, अपना मोबाइल नंबर एंड अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे, फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे बाय नाउ में, और पेमेंट करने के बाद इस ट्रिक में आप एनरोल हो जाओगे। फिर आप इस वीडियो को वॉच करोगे, इस वीडियो को आपको वॉच करना है कंप्लीट, फिर आप सीख जाओगे आपको किस तरीके से अनलिमिटेड वर्चुअल डेबिट कार्ड बनाना है। इसके बाद मेरा अगला वीडियो आएगा, आप किस तरीके से वोल्टर का फ्री ट्रायल अकाउंट बनाओगे एंड AWS का फ्री ट्रायल अकाउंट किस तरीके से बनाओगे। अगर आप इस मेथड को बाय करते हो तो ये सारा काम आप कर सकते हो काफ़ी आसानी से। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप बाय कर सकते हो। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।